हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किड्स जोन स्टडीज़। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टू का सिलेबस सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो जो बच्चे क्लास वन से क्लास टू में प्रमोट होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें मैंने क्लास टू में कराए जाने वाले हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है और उसका थोड़ा ओवरव्यू भी लेंगे कि क्या क्या है सिलेबस में। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इंग्लिश में क्या है, पहले तो बच्चों को जो फर्स्ट क्लास में कराया गया है उन सब चीज़ों का रिवीजन होगा, लाइक वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया था उनको रिवाइज कराया जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको सिखाया जाएगा, वर्ड्स इन ऑर्डर, वर्ड्स को ऑर्डर में बताया जाएगा, दिस दैट दीज दोज का कंसेप्ट सिखाया जाएगा। ये हमने इस चैनल पे भी डिस्कस किया हुआ है, दिस दैट दीज दोज का कंसेप्ट, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्लास में भी कराया जाता है बच्चों को और सेकेंड क्लास में एक बार रिवाइज कराया जाएगा। इज एम आर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, लाइक एम आई के साथ यूज होता है, आर प्लूरल के लिए यूज होता है, इज सिंगुलर के लिए यूज होता है, एंड जम्बल वर्ड्स के बारे में कराया जाएगा। एंड उसके बाद उनकी एक स्पेलिंग वर्कबुक होती है, तो स्पेलिंग वर्कबुक में जैसे साउंड वर्ड कराए जाते हैं, ओ जिसमें लास्ट में आता है, या फिर आई की लॉन्ग जो साउंड होती है उन वर्ड्स को कराया जाता है, जैसे कि ओ थ्रो इस टाइप के वर्ड। एंडिंग ब्लेंड्स, एंड में एस के आ रहा है, एल डी लग रहा है, जैसे कि रिस्क टास्क इस टाइप के वर्ड जिनमें एल आ रहा है लास्ट में, जैसे कि माइल्ड कोल्ड, तो इस टाइप के वर्ड कराए जाएं जिसमें एल टी आ रहा है लास्ट में इस टाइप के, जैसे कि मेल्ट, इस टाइप के वर्ड कराए जाएंगे इसमें। देन एंडिंग साउंड्स एन डी एंड एन जी, और ये साउंड्स वाले कराए जाएंगे। इसमें तीन बुक्स होती हैं, एक रिवीजन हो गया, स्पेलिंग वर्क बुक हो गई, और एक होती है कॉम्प्रिहेंसिंग रीडिंग एंड क्वेश्चन आंसर। कॉम्प्रिहेंशंस मतलब कि कुछ स्टोरी टाइप से दिया जाता है पैराग्राफ, उसको रीड करो और फिर उसमें से क्वेश्चंस दिए जाते हैं बच्चों को, उनके आंसर्स करने होते हैं। तो इस टाइप से अलग अलग स्कूल में अलग अलग बुक रखी जाती है। लेकिन जो ग्रामर का सब्जेक्ट जो दिया जाता है बच्चों को इंग्लिश में, उसमें सिलेबस सिमिलर ही होता है, तो हम ग्रामर का सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्लास टू में बच्चों को ग्रामर में जो टॉपिक कराए जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं, लाइक यूज ऑफ इज एम आर। नाउन कराया जाता है, नाउन जैसे किसी का नाम और नेमिंग वर्ड्स जो बोलते हैं नाउन होता है। एंड प्रोनाउन कराया जाता है जो नाउन्स के प्लेस पे यूज होते हैं। यूज ऑफ वाजवर, वाजवर पास्ट टेंस में यूज होता है, वर्ब प्लूरल के लिए यूज होता है, वाज सिंगुलर के लिए यूज होता है। इसी टाइप से आर्टिकल्स ए और एन और द ये कराए जाते हैं। आर्टिकल ए और ए कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज होता है, एन वोवल्स के साथ यूज होता है, द स्पेशल नेम्स के साथ यूज होता है। पंक्चुएशंस कराई जाती हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स होते हैं जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, और एंटोनिम्स होते हैं जो अपोजिट मीनिंग्स वाले वर्ड्स होते हैं। प्रीपोजिशंस, वर्ब, वर्ब जो कि एक्शंस के बारे में बताती है कि क्या काम किया जा रहा है, एक्टिविटी के बारे में बताती है, वो वर्ब्स होती है। यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज को थोड़ा डीपली बताया जाता है। और एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स जो कि हमें नाउन्स के बारे में बताते हैं, उनकी उनकी जो मतलब विशेषता बताते हैं। फिर राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स कराए जाते हैं। देन सिंगुलर प्लूरल कराया जाता है। देन पिक्चर कंपोजिशंस, जैसे हिंदी में पिक्चर कंपोजिशन कराते हैं ऐसे ही इंग्लिश में पिक्चर कंपोजिशंस कराया जाता है। तो ग्रामर में ओवरऑल ये सिलेबस कराया जाता है। नाउ बात करते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स में क्या कराया जाता है, नंबर्स अप टू 1000। अब बच्चों ने फर्स्ट में भी किए हैं नंबर्स, तो सेकेंड में भी उनको नंबर्स का रिविजन कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट में कराया है उसी को रिवाइज कराते हैं हर सब्जेक्ट में, लाइक 1000 तक नंबर करा दिए, फिर उसमें ही फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग कि फॉरवर्ड काउंटिंग कैसे करनी है, बैकवर्ड कैसे करनी है, उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर बिफोर आफ्टर की प्रैक्टिस कराते हैं। देन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हर नंबर की सेम होती है और प्लेस वैल्यू प्लेस के अकॉर्डिंग होती है कि वो कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पे है या 10 प्लेस पे है। देन एक्सपेंडेड फॉर्म कराई जाती है, एक्सपेंडेड और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों कराते हैं। एक्सपेंड करके दे दिया कि 3 10s हैं, 2 10s हैं, इस टाइप से। देन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया जाता है, जो हम हिंदी में बोल देते हैं कि बढ़ते क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं इनको, वो कराया जाता है। देन नंबर्स नेम्स कराए जाते हैं, लाइक ओ एन ई 1, टी डब्ल्यू ओ 2, नंबर नेम्स कराए जाते हैं। देन ऑर्डिनल नंबर्स कराए जाते हैं, लाइक 1, 2,
इस टाइप से ऑर्डिनल नंबर कराए जाते हैं उनको 20 तक। देन ओड इवेंट्स कराए जाते हैं कि जैसे ओड होता है 3, 5, 7, इवेंट्स होते हैं 2, 4, 6, 8। देन नंबर लाइन पे बच्चों को समझाया जाता है कि नंबर लाइन होती है हमारी इस टाइप से 0, 1, 2, 3, 4, ये नंबर लाइन के बारे में पूरा कंसेप्ट समझाया जाता है। देन उनको बॉन्ड्स बताए जाते हैं 11 to 20। देन उनको शेप्स और पैटर्न्स के बारे में बताया जाता है, जो मेन मेन शेप्स होती हैं लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, इन सब के बारे में और पैटर्न्स के बारे में समझाया जाता है। देन एडिशन का थोड़ा डीप कंसेप्ट आ जाता है, जो हमने फर्स्ट में कराया था वो वन डिजिट एडिशन कराया था, अब इसमें हमारा 2 डिजिट नंबर का एडिशन, 2 डिजिट विद 1 डिजिट नंबर, देन 2 डिजिट विद 2 डिजिट नंबर एडिशन। फिर उसके बाद हमारा स्टोरी सम, लाइक स्टोरी की फॉर्म में दिया हुआ है कि इसने इससे 2 एप्पल्स लिए हैं और 2 एप्पल्स और लिए हैं, इनको ऐड करके बताओ या टोटल कितने हैं, इस टाइप से स्टोरी की फॉर्म में दिया जाता है। तो इस मतलब जो फर्स्ट में कराया है उसका थोड़ा डीपर फॉर्म आ जाता है सेकेंड क्लास में। देन उनको सब्ट्रैक्शन का बताया जाता है, सब्ट्रैक्शन में 2 डिजिट नंबर का 2 डिजिट नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन करते हैं, 3 डिजिट नंबर का 3 डिजिट नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन करते हैं। देन स्टोरी सम्स आते हैं इसमें भी, जैसे एडिशन में स्टोरी सम थे ऐसे ही इसमें स्टोरी सम्स आते हैं। उसके बाद मनी का कंसेप्ट आता है, मनी का कंसेप्ट होता है कि करेंसी को आइडेंटिफाई करना, करेंसी नोट्स को आइडेंटिफाई करना कि ये 10 का नोट्स है, ये 20 का है, ये 50 का है, ये 1000 का है, एंड अपने कंट्री में सबसे बड़ी करेंसी का नोट कौन सा है, लाइक 2000 का है, तो इस टाइप से बताया जाता है। फिर काउंटिंग मनी कि मनी को कैसे काउंट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं मनी को, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं कि इसमें से इतने निकाल दे तो हमने कितने बचे। देन उनको डाटा हैंडलिंग का कंसेप्ट सिखाया जाता है, डाटा हैंडलिंग में डाटा कलेक्ट करना, सबको फिर कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करना कि टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करें या फिर चार्ट की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करें, ये सब सिखाया जाता है। देन मार्क्स को टैली करना, देन प्रेजेंटेशन डाटा की कि डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजरमेंट का, मेजरमेंट में बच्चों को लेंथ की मेजरमेंट बताई जाती है जो कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सब में होती है। देन उनको वेट की मेजरमेंट बताई जाती है, जैसे ग्राम, किलोग्राम और इनके बारे में बताया जाता है कि किसको हमें लीटर में मेजर करना है, किसकी वॉल्यूम को हमें ग्राम में मेजर करना है, वो वेट में आ जाता है। देन मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, तो इसमें भी यूनिट्स वगैरह के बारे में बताया जाता है कि किसको किस यूनिट में मेजर करते हैं। देन मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट कराया जाता है, पहले उनके फैक्ट्स बताए जाते हैं, टेबल्स लर्न कराई जाती है 10 तक, देन फिर मल्टीप्लिकेशन को फैक्ट के थ्रू और रिपीटेड एडिशन के थ्रू सिखाया जाता है। देन मल्टीप्लाई 1 डिजिट विद 1 डिजिट नंबर वो कराया जाता है। फिर जब मल्टीप्लिकेशन उनका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद डिवीज़न कराते हैं, डिवीज़न एज इक्वल शेयरिंग, मतलब इक्वल इक्वल शेयर करके कितने पार्ट्स में एक उसको एक सब्जेक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं, इस टाइप से डिवीज़न सिखाया जाता है बच्चों को। नाउ वी विल कम ऑन हिंदी, हिंदी में क्या कराते हैं, हिंदी में भी 2 बुक होती हैं, हिंदी अध्याय। हिंदी अध्याय में जैसे कि इंग्लिश में रीडर होती है ऐसे ही हिंदी में अध्याय होती है, वो रीडिंग के लिए यूज़ की जाती है, उसमें कुछ एक बच्चों की कविता या फिर स्टोरी टाइप से होते हैं, उनको रीड करते हैं बच्चे और उनमें शब्दार्थ का मतलब शब्दों का अर्थ बताना होता है वर्ड मीनिंग टाइप से, और उनको रीडिंग कराते हैं ताकि उनकी रीडिंग इम्प्रूव हो हिंदी में। और नेक्स्ट होती है हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण में सबका सेम होता है, अलग अलग स्कूलों में हिंदी अध्याय की बुक तो अलग अलग रखते हैं लेकिन हिंदी व्याकरण सब में लगभग सेम ही चलते हैं टॉपिक्स जो होते हैं, लाइक हमारी भाषा, वर्ण एंड वर्णमाला, शब्द और वाक्य, संयुक्त वर्ण, संज्ञा, संज्ञा जैसे हिंदी इंग्लिश में नाउन्स होते हैं वैसे हिंदी में संज्ञा होती है, नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड, लिंग, लिंग होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लाइक राजा, रानी, इसी टाइप से वचन, वचन होते हैं एक वचन, बहुवचन, जैसे कि पुस्तक, पुस्तके, ये हमारा एक वचन है पुस्तक, और पुस्तके बहुवचन हो गया। फिर सर्वनाम, जो नाम के स्थान पे, जो कि संज्ञा के स्थान पे यूज होते हैं सर्वनाम होते हैं। विशेषण, जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। क्रिया, जो काम बताते हैं जिनको हम इंग्लिश में बोल देते हैं कि एक्शन वर्ड्स जो होते हैं। देन पर्यायवाची, सिनोनिम्स, जो कि सिमिलर होते हैं, जैसे कि हमें किसी एक वर्ड का दे दिया उसका सिमिलर दूसरा वर्ड बताना है हमें, वो होते हैं जैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स होते हैं। इसी टाइप से विलोम शब्द,
एंटोनिम्स, जैसे कि ऊपर नीचे सीधा उल्टा, अपोजिट्स जो होते हैं उनको एंटोनिम्स या विलोम शब्द बोलते हैं। देन वाक्यांश के लिए शब्द, मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जैसे कि एक हमें वाक्य दे दिया है उसके लिए हम एक शब्द का यूज करें, तो वो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द का यूज करना। फिर जैसे कि इंग्लिश में था पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ऐसे ही हिंदी में चित्र वर्णन होता है, तो उनको चित्र वर्णन कराया जाता है। देन बातचीत, वार्तालाप के बारे में बताया जाता है, शुद्ध अशुद्ध कि कौन सा सही लिखा हुआ है कौन सा गलत लिखा हुआ है ये उनको देख के बताना होता है, वो कराया जाता है। फिर पत्र लेखन, जैसे कि इंग्लिश में लेटर राइटिंग होता है। देन निबंध लेखन, जैसे कि ऐसे राइटिंग के टाइप से, कहानी पठन, कहानी को पढ़ना, उसके साथ साथ जानवरों के नाम, फलों के नाम, पक्षियों के नाम, सब्जियों के नाम, रंगों के नाम, ये सब कराया जाता है बच्चों को, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सब इसी में आता है हिंदी में, ये इसमें कराया जाता है बच्चों को। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ईवीएस का सिलेबस। तो ईवीएस में क्या कराते हैं, इन्वेंशन ऑफ व्हील, गुड हैबिट्स, जैसे कि वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, या हमें ये फॉलो करना चाहिए, हमें अपनी यूनिफॉर्म को क्लीन रखना चाहिए, ये सब जो गुड हैबिट्स और मैनर्स होते हैं वो इस चैप्टर में बताया जाता है बच्चों को। देन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या यूज होता है, लाइक टेलीफोन, रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल, इसके बारे में बताया जाता है। देन क्लोथ्स के बारे में कि किस किस टाइप की ड्रेसेस होती हैं, पार्टी वियर कौन सी होती हैं, कौन सी विंटर में पहनते हैं, कौन सी समर में पहनते हैं, इसका एक लाइट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है बच्चों को। देन वर्ल्ड अराउंड मी, हमारे चारों तरफ के वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है, एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाता है, और जो ये पेड़ पौधे हैं इनके बारे में बताया जाता है। देन गेट टू नो मी, अपने बारे में, मतलब कि माई सेल्फ कैसे डिस्क्राइब करना है, ये सब बताया जाता है। देन अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शंस, डायरेक्शंस के बारे में बताया जाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब सिखाया जाता है बच्चों को। देन हाउसेज, कि हाउसेज में कौन कौन से रूम होते हैं घर में, और डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, लिविंग रूम, इन सब के बारे, बेडरूम, इन सब के बारे में बताया जाता है बच्चों को। देन सर्विसेज इन नेबरहुड, नेबरहुड के बारे में बताया जाता है, नेबरहुड होता है जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास का पड़ोस है, उसके बारे में बताया जाता है कि क्या इंपॉर्टेंस रखता है। देन टाइम का कंसेप्ट बताया जाता है बच्चों को, एएम पीएम के बारे में बताया जाता है, टाइम के बारे में, जैसे कि मंथ में कितने दिन होते हैं, वीक के बारे में, ये सब बताया जाता है। देन एयर, वाटर, फूड, शेल्टर्स, इनके बारे में बताया जाता है। देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइक कार, ट्रेन, एरोप्लेन, ट्रांसपोर्ट के जो जो हमारे तरीके हैं उन सब के बारे में बताया जाता है। देन आवर फैमिली, फैमिली के टाइप्स बताए जाते हैं कि ज्वाइंट फैमिली कैसे होती है, न्यूक्लियर फैमिली कैसे होती है, सिंगल फैमिली कैसे होती है। देन बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया जाता है, लाइक बॉडी पार्ट्स का चार्ट बना के दे दिया या फिर उस टाइप से समझा दिया बच्चों को और अच्छे से लर्न कराया जाता है। देन सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है कि हमारे कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं और उनकी क्या क्या वर्किंग है। देन गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में बताया जाता है। नाउ कमिंग ऑन सिलेबस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में इनकी यूनिट्स होती हैं अलग अलग। फर्स्ट यूनिट में होता है नो योर कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में जानना। तो कंप्यूटर के बारे में क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस जिससे हम डाटा इनपुट करते हैं, लाइक माउस, कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइसेस होती हैं। फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस, लाइक सीपीयू जो प्रोसेस करता है हमारे डाटा को। आउटपुट डिवाइसेस, लाइक प्रिंटर, मोनिटर, जो आउटपुट शो करते हैं हमें, जो हमने डाटा एंटर किया है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू उसको आउटपुट देते हैं, वो होते हैं। और स्टोरेज डिवाइसेस लाइक डिस्क, ये सब हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, इनके बारे में बताया जाता है। देन वर्किंग ऑफ विंडो, की विंडो कैसे काम करती है, लाइक स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट हो रहा है तो विंडो क्या काम कर रही है उसमें। देन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, देन डेस्कटॉप और इट्स कंपोनेंट, डेस्कटॉप लाइक कंप्यूटर में क्या क्या होता है, मॉनिटर, सीपीयू, इनके सब के बारे में बताया जाता है कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देन ऑपरेटिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग स्टार्ट मेन्यू, फिर स्टार्ट मेन्यू के थ्रू किसी ऐप को चलाना, एप्लीकेशन को चलाना सिखाया जाता है। ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सिलेक्टिंग एन आइकन, कि आइकन को सिलेक्ट करके, डेस्कटॉप पे जो आइकन बना हुआ है उसको सिलेक्ट करके कैसे ऑपरेट करना है एप्लीकेशन को, और स्टार्ट मेन्यू के थ्रू कैसे ऑपरेट करना है उसको। देन शटिंग डाउन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे शट डाउन करना है।
देन नेक्स्ट यूनिट होती है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। उसमें आता है डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर, ह्यूमंस और कंप्यूटर के बीच में डिफरेंस दिखाया जाता है कि ह्यूमंस जो हैं वो कितनी स्पीड में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर उससे ज़्यादा स्पीड में काम कर रहे हैं, उनको कंपेयर किया जाता है। देन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर कौन कौन से टाइप के होते हैं। देन यूजेज ऑफ कंप्यूटर, की कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन आता है द कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड और माउस के फंक्शंस के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में फंक्शंस के बारे में समझाया जाता है। यूजेज ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये सब बताया जाता है। देन फन विद पेंट्स, पेंट के बारे में समझाया जाता है, जो पेंट का सॉफ्टवेयर होता है उसके बारे में बताया जाता है कि कैसे पेंट को स्टार्ट करना है। कंपोनेंट्स ऑफ पेंट विंडो एंड यूजिंग डिफरेंट टूल्स ऑफ पेंट, कि पेंट के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है। हाउ टू ओपन न्यू विंडो, न्यू विंडो को कैसे ओपन करना है, और उनको ओपन करने के बाद जो हमने पेंट किया उसको सेव कैसे करना है पिक्चर को, फिर उस सेव्ड पिक्चर को ओपन कैसे करना है, और फिर पेंट को क्लोज कैसे करना है, मतलब पेंट का पूरा कंसेप्ट सिखा दिया जाता है सेकेंड क्लास में। देन आता है इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड, कि एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से इंट्रोडक्शन कराते हैं, जैसे ओपन कैसे करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, फिर उसमें कंपोनेंट्स को कैसे कैसे यूज़ करना है, न्यू फाइल कैसे क्रिएट करनी है, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे फाइल ओपन करनी है, फिर उसमें अपना डाटा फीड करना है, फिर उसको कैसे सेव करना है, सेव्ड फाइल को डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन करना है, फिर क्लोज कैसे करना है डॉक्यूमेंट को, कैसे एमएस वर्ड को क्लोज करना है, एमएस वर्ड में कौन कौन से टूल्स होते हैं उनको कैसे कैसे यूज़ करना है, ये सारा कंसेप्ट इसमें सिखाया जाता है। एमएस वर्ड के बारे में पूरा बताया जाता है अच्छे से। नाउ वी आर कमिंग ऑन जीके, जीके में सेकेंड क्लास में बच्चों को नेशनल सिम्बल्स के बारे में बताया जाता है, जो नेशनल सिम्बल्स हैं इंडिया के, लाइक नेशनल बर्ड कौन सा है, पिकॉक है, नेशनल एनिमल कौन सा है, नेशनल फ्लावर कौन सा है लाइक लोटस है, इनके बारे में बताया जाता है। नेशनल गेम कौन सा है, हमारा नेशनल गेम कौन सा है, हॉकी, इस टाइप से समझाया जाता है बच्चों को। देन माय स्कूल के बारे में बताया जाता है, स्कूल में कितने क्लासरूम हैं और स्टडी, ये लिविंग रूम और लाइब्रेरी एंड प्लेइंग एरिया कितना है, एंड कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने टीचर्स हैं, स्टाफ रूम, इन सब के बारे में बताया जाता है। जो जो स्कूल में फैसिलिटीज़ है वो अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताया जाता है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, की फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है। देन माई नेबरहुड, नेबरहुड जो हमारे पड़ोस में लोग रह रहे हैं उनके साथ हमें कैसे रहना चाहिए और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो कब हमारी हेल्प करते हैं, कब हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, इन सब के बारे में बताया जाता है। देन हेल्पर्स नेम एंड देयर वर्क, हेल्पर्स लाइक बार्बर, बार्बर क्या करता है उनके वर्क के बारे में, गार्डनर, गार्डनर क्या करता है उनके वर्क के बारे में, डॉक्टर, डॉक्टर के वर्क के बारे में, इन सब के, पुलिस, पुलिस के प्रोफेशन के बारे में, इन सब के बारे में बताया जाता है। देन वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, उनके फूड्स के बारे में, पहले वाइल्ड एनिमल्स के नेम्स के बारे में, उनकी साउंड के बारे में, ये डिटेल में बताया जाता है। देन एनिमल्स ऑन फार्म, इनको हम डोमेस्टिक एनिमल्स भी बोल सकते हैं, जो फार्म में रहते हैं उनके बारे में बताया जाता है कि वो क्या खाते हैं, क्या कैसे, उनकी साउंड के बारे में बताया जाता है, उनके बेबीज के बारे में बताया जाता है। देन इंडोर गेम्स, इंडोर गेम्स में जो कि घर के अंदर खेले जाने वाले गेम्स हैं लाइक लूडो, चेस, इस टाइप के गेम, कैरम, जो हम घर के अंदर खेलते हैं। देन हम आउटडोर गेम्स की बात करते हैं, आउटडोर गेम्स में कौन कौन से गेम होते हैं जो बाहर खेले जाते हैं लाइक क्रिकेट, जो स्टेडियम में खेले जाता है, या फिर जो ग्राउंड में खेले जाने वाले गेम्स है बाहर खेले, जो घर के अंदर नहीं खेल सकते वो आउटडोर गेम्स होते हैं। देन हेल्दी फूड एंड जंक फूड में डिफरेंस बताया जाता है बच्चों को, लाइक फ्रूट्स जो होते हैं हमारे हेल्दी फूड होते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये जंक फूड होते हैं, उसमें जंक फूड से होने वाले नुकसान और हेल्दी फूड से बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये सब समझाया जाता है बच्चों को। देन फेमस प्लेसेस, फेमस प्लेसेस के बारे में बताया जाता है लाइक ताजमहल, लाल किला, और इनके लाल किला, कुतुब मीनार, इन सब के बारे में, जो जो फेमस प्लेस है हमारे इंडिया में उनके बारे में बताया जाता है। देन ट्रैफिक सिंबल्स के बारे में बताया जाता है कि कौन सा यू टर्न का है, एंड रेड लाइट हो तो क्या करना है, ग्रीन लाइट हो तो क्या करना है, इनके बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाया जाता है बच्चों को, ताकि उनको कन्फ्यूज़न ना हो आगे, तो इस टाइप से उनको जीके का सिलेबस कराया जाता है।
और इसमें हमने सभी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।